कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया विचार और लेकर हाजिर हूं, वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। यानी सबसे पहले जो हमारा भारतीय संविधान है, यानी हमारा जो है क्या है, वो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में यानी कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले देखें। यहां पे हम पॉइंट बाय पॉइंट, सबसे पहली चीज जो ली गई है वह यानी सबसे रूस का संविधान, रूस का संविधान, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? पहला लिया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दूसरा लिया गया है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, यानी ये हो गया पहला। दूसरा जो है, दूसरा वो है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। यानी पहला जो पॉइंट था यानी सबसे पहली चीज रूस का संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया। दूसरा फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और दूसरा जो है इसमें पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट है इसमें स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। यानी ये दो जगह, दो चीज, दो जगह एक बार बता दिया, नहीं, रूस का संविधान और फ्रांस का संविधान। अब तीसरा जो है, हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा देखेंगे, तीसरी चीज कहां से ली गई है। तीसरी चीज आयरलैंड, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान में पहला पॉइंट देखेंगे हम राज्य के नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लिए गए हैं। दूसरा पॉइंट जो यहां पे लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा पॉइंट जो लिया गया है इसमें राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो ये आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरलैंड का संविधान जो था, यानी तीसरा पॉइंट हो गया, यानी आयरलैंड तीसरी जगह, यानी आयरलैंड का संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे आयरलैंड हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यानी चौथा चौथा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? सबसे पहला समवर्ती सूची, दूसरा पॉइंट क्या है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, और तीसरा क्या लिया गया है इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त
बेटर, ये आपके 3 पॉइंट जो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य सामाजिक समाज की स्वतंत्रता ली गई है, स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आपके कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और संबंधी प्रावधान दिए गए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। अब इसके बाद जो है इसमें हम, क्योंकि संविधान की सीरीज चल रही है और संविधान में ही सारी चीजें ये भी पता होना बहुत जरूरी है, अब हम आते, ये चार हो गए, पांचवा जो है, पांचवी चीज कहां से ली गई है, पांचवा है वो कनाडा, कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, सबसे पहली सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिया गया है, दूसरा पॉइंट है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब तीसरी चीज यहां पे क्या ली गई है, तीसरी चीज ली गई है राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, यानी राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। चौथा पॉइंट जो लिया गया है उच्च न्यायालय, ओ सॉरी उच्चतम, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अब पांचवा पॉइंट जो इसमें लिया गया है, पांचवा अंधात्मक विशेषताएं, अंधात्मक विशेषताएं, ये जो है ये कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का जो है केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति होना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी परामर्शी न्याय निर्णयन, और पांचवा लिया गया है अंधात्मक विशेष विशेषताएं, यानी ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद हम जो देखेंगे, उसके बाद कहां से क्या लिया गया, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यानी 6 नंबर पे दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहां से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, यानी 6 नंबर पे दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो गया, यानी कहां क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब इसके बाद हम इसमें अगली अगली चीज देखेंगे, अगला क्या है, अगला कौन सा पॉइंट है, अगला पॉइंट है ब्रिटेन का संविधान, यानी 7वें नंबर पे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, विधि, पहला पॉइंट विधि का शासन, दूसरा पॉइंट संसदीय शासन प्रणाली,
संसदीय शासन प्रणाली। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और चौथा पॉइंट इसमें क्या लिया गया है, द्विसदनी व्यवस्था, द्वि सदनी व्यवस्था। पांचवा क्या लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी छठा पॉइंट क्या लिया गया है इसमें, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, चुनाव जीत का निर्णय, ये छठा हो गया। सातवां पॉइंट क्या लिया गया है, सातवां क्या लिया गया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये ली गई है। और आठवां पॉइंट लिया गया संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये पॉइंट जो है लिए गए, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए, यानी सातवां पॉइंट जो आपका था ये संसदीय विशेषाधिकार लिए गए, यानी ये कहां का, ब्रिटेन के संविधान से। अब आठवीं, आठवां चीज जो लिया गया वो आठवां जो है, आठवीं चीज कहां से ली गई है, यानी सात जगहों से ये चीजें ली गई हैं। अब आठवां हम लोग पॉइंट देखेंगे, आठवीं चीज यानी आठवां, तो आठवां हम लोग देखेंगे, आठवां क्या है। अब आते हैं अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये हो गया आठवें नंबर पे। पहला लिया गया है प्रस्तावना के शब्द, या इसमें हम कह सकते हैं हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट है इसमें मूल अधिकार। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पालिका। और चौथा पॉइंट है न्यायिक पुनर्विलोकन, और ये हो गया पांचवा पॉइंट इसमें है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। अब इसके आगे और भी पॉइंट, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने बता दिया। अब इसके बाद ये पांचवा पॉइंट, पांचवा हो गया। अब छठा हम पॉइंट इसमें देखेंगे, क्योंकि जो अमेरिका के संविधान से तकरीबन 10 चीजें ली गई हैं, यानी पांच हो चुकी हैं, छठा नंबर हम लोग देखेंगे। छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां नंबर है, सातवां नंबर लोक जनहित याचिका, लोक
जनहित याचिका, जिसको हम पीआईएल भी कहते हैं शॉर्ट में। आठवां, न्यायिक पुनरविलोकन। न्यायिक पुनरविलोकन प्रणाली। और 90 नंबर पे है उपराष्ट्रपति का पद, उप राष्ट्रपति का पद। और 10वें नंबर पे है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। यानी अमेरिका के संविधान से 10 चीजें ली गई, सबसे ज्यादा जो ली गई हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब हम यानी अब ये तो हो गया 8वां नंबर, अब हम लोग 9वां नंबर देखेंगे। नौ नंबर पर है जापान का संविधान, जापान का संविधान। इसमें पहला लिया गया है, सिर्फ एक ही चीज ली गई है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और 10वें नंबर पे जो लिया गया है वो जर्मनी का संविधान। यहां से यानी एक चीज यहां से भी ली गई है, वो आपातकालीन उपबंध। यानी हमारे देश में जो यानी ये 10 चीजें जो हो गई, यानी 10 जगहों से संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी ये संविधान जो हमारे भारत देश में चल रहा है, इस संविधान के लिए जिन्होंने भी लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कितनी मेहनत करी होगी, इस बात से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत करके वो उन्होंने इतना इस संविधान का निर्माण किया, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें रखी हैं, ये सारी बातें मैंने एक छोटे से वीडियो में बताई हैं। भारत का संविधान किन किन जगहों पे क्या क्या चीजें लिया गया है, क्या क्या चीजें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।